अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। हमारे एक बहुत मोहतरम सब्सक्राइबर हैं तोफैल शाह साहब हैं, उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया है कि क्योंकि आगे आने वाले सालों में फिल्मों की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं सुपरहिट, हिट और एवरेज फिल्मों को निकाल कर बाकी जो फिल्में नाकाम साबित होती हैं उनको एक ही वीडियो में आप लोगों के सामने पेश कर दिया करूं। मुझे शुरू में उनका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस तरीके से मैं पाकिस्तानी फिल्म हिस्ट्री को तरतीब दे रहा हूं, आगे मुस्तकबिल में चलकर अगर किसी ने कोई इंडिविजुअली किसी फिल्म को फाइंड आउट करना हुआ तो ये मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मुझे आपसे एक मशवरा दरकार है कि अगर मैं एक दिन में दो या तीन फिल्में अपलोड कर दिया करूँ जो कि सुपरहिट, हिट या एवरेज के जुमरे में ना आती हों, तो आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट्स में आपके मशवरे का ज़रूर इंतजार रहेगा। तो आज 1964 की वो फिल्म जो 22वें नंबर पर हमारा इंतजार कर रही है, इस फिल्म का नाम है लाडली। शबाब प्रोडक्शन के जेर एहतमाम तैयार और रिलीज की जाने वाली यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो में तैयार की गई, जिसके सरमायाकार शबाब केरानवी थे। फिल्म को बाबा आलम स्याहपोश ने लिखा, जिसकी हिदायतकारी हैदर चौधरी ने की। लाडली के कैमरामैन बाबू मिस्त्री थे। इस फिल्म में कौन से अदाकार शामिल थे, आइए देखते हैं। लाडली में अदाकारा नासिरा, अकमल, जीनत, जमुर्द, सीमा, आसिफ जा, रंगीला, सावन, जहूर शाह, अजमल, चुन चुन, नीलोफर और एमडी शेख शामिल थे। अदाकारा सीमा इस फिल्म के टाइटल रोल में थी। इस फिल्म का म्यूजिक कैसे और किसने तरतीब दिया, आइए देखें। फिल्म के गाने बाबा आलम स्याहपोश और वारिस लुधियानवी ने लिखे, जिनका म्यूजिक मंजूर और अशरफ ने तरतीब दिया। गुलकारों में नसीम बेगम, नज़ीर बेगम और शौकत अली शामिल थे। इस फिल्म के किस गाने को किस गुलकार ने गाया, आइए देखते हैं। सात गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में नसीम बेगम के बुलबुल बन के फुल अपने नू लब्बा डाली डाली, हान दया हानिया वे दिला दया जानिया वे, कुड़ी तेरे इशारिया ने लुट लई वे कच दे गलास वर्गी, माही मेलियां जदों दी तू अखियां मैनू भुल गईया हान दियां सखियां, नज़ीर बेगम के कन्नी झुम के पैरां दे विच लच्छियां ते जग ते दुहाइयां पै गईयां, नज़ीर बेगम और शौकत अली का इश्क तेरे विच अंग अंग मेरा हो गया चकना चूर वे, नसीम बेगम, नज़ीर बेगम और शौकत अली का असी गुरु दे चेले असी नैन सजन मेले। नाजरीन, इस फिल्म में इनफिरादी तौर पर नसीम बेगम ने चार, नज़ीर बेगम ने एक सोलो गीत गाया, जबकि नज़ीर बेगम और शौकत अली ने एक दो गाना गाया। इसके अलावा नसीम बेगम, नज़ीर बेगम और शौकत अली ने एक ट्रियो गाया। ये फिल्म भी 29 मई 1964 बरोज जुमा को फिल्म इंस्पेक्टर और भरजाई के साथ ही रिलीज हुई, मगर इस फिल्म का अंजाम भी इंस्पेक्टर जैसा हुआ। शायद पुलिस वाले आगे लग गए और इस फिल्म को भी ले डूबे। सिर्फ 6 हफ्ते के बिजनेस के बाद ये फिल्म सिनेमाओं से उतार ली गई और माजी में दफन कर दी गई। लेकिन हैरत की बात है कि कई वेबसाइट्स पर इसे फ्लॉप फिल्म लिखा गया है और कहीं उसे 1964 की चौथी हिट फिल्म करार दिया गया है। अब सच क्या है, ये आप अपने खूबसूरत कमेंट्स के जरिए बताकर यकीनन हमारे इल्म में इजाफा ज़रूर करेंगे।
जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो नाज़रीन, ये था फिल्म लाडली का एक मुख्तसर रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, जो हमारे चैनल और हमारे नाज़रीन के लिए मज़ीद मालूमात का सबब बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके ज़रिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।